मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2023 से पहले ही बुरे हाल हो गए हैं। दिग्गज नेता अपने ही पार्टी के नेताओं का साथ छोड़ चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी की। राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार के बाद विवादों में घिरे जीतू पटवारी बजट के दूसरे दिन विधानसभा पहुंचे। अब वह करते भी क्या, अलग थलग जो पड़ गए थे। उनका साथ तो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी नहीं दिया। इस पूरे मामले को लेकर अब सिंधिया समर्थक भी मैदान में कूद गए हैं और पूरी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। दरअसल जब विधानसभा में सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी सड़कों के बाद अब सदन में भी दिखाई देने लगी है। कांग्रेस में चोरी और सीनाजोरी दोनों ही चल रही है। कांग्रेस में नेता पद के लिए एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। वहीं गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि यह एक बड़ी जंग की शुरुआत कांग्रेस में हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बनने की होड़ चल रही है। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस में अब नेताओं ने अपना दबदबा दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है, इसलिए अब इन लोगों में बड़ा घमासान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के सभी नेताओं का हाल मुंह में राम बगल में छुरी वाला है।